इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने मेफ्टाल पेन किलर को लेकर सेफ्टी अलर्ट जारी किया है। कमीशन ने अपने अलर्ट में कहा है कि मेफ्टाल दवा में इस्तेमाल किया जाने वाला मेफनेमिक एसिड गंभीर साइड इफेक्ट की वजह बन सकता है। यह दवा इसिनोफिलिया और सिस्टमेटिक सिम्पटम सिंड्रोम ड्रग रिएक्शन की वजह बन सकती है। इस दवा का इस्तेमाल दर्द से राहत पाने के लिए पेन किलर के तौर पर किया जाता है। मेफनेमिक एसिड रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, दर्द, सूजन, बुखार और दांत की दर्द निवारक दवाओं में यूज किया जाता है। आयोग ने अपने अलर्ट में कहा कि फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया डेटाबेस से प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं के प्रारंभिक विश्लेषण से ड्रेस सिंड्रोम का पता चला है। ड्रेस सिंड्रोम कुछ दवाओं के कारण होने वाली एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया है। इसकी वजह से त्वचा पर लाल चकत्ते, बुखार और लेफ्टेनोपैथी जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। ये परेशानियां दवा लेने के 2 से 8 सप्ताह के बीच हो सकती हैं। हालांकि यह ड्रग ओवर द काउंटर मिलने वाली दवा नहीं है और इसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही दिया जाता है। भारत में इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। मेंस्ट्रुअल पेन, सिरदर्द, मसल्स और ज्वाइंट पेन के अलावा तेज बुखार के मामलों में बच्चों को भी यह दवा दी जाती है। इस कैटेगरी में टॉप ब्रांड्स में ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज की मेफ्टाल, मैनकाइंड फार्मा की मेफकाइंड पी, फाइजर की पोनिस्टेन, सीरम इंस्टीट्यूट की मेफ नॉर्म और डॉक्टर रेड्डी की इबुक्लिन पी दवा शामिल है। इस अलर्ट में मेडिकल प्रोफेशनल्स और मरीजों से दवा के साइड इफेक्ट्स पर बारीकी से नजर रखने को कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि दवा लेने के बाद कोई ऐसा रिएक्शन सामने आए तो संदिग्ध प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं को दर्ज कर आईपीसी को रिपोर्ट करें। हालांकि डॉक्टर्स की माने तो ड्रेस सिंड्रोम कई नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं NSAIDs का एक सामान्य साइड इफेक्ट है, जिसके बारे में मेडिकल प्रोफेशनल्स को पहले से पता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दवाओं के प्रति अलग अलग प्रतिक्रियाएं अलग अलग हो सकती हैं और NSAID लेने वाले हर व्यक्ति को इस गंभीर एलर्जी का अनुभव नहीं होगा। गुरुग्राम के सीनियर डॉक्टर की माने तो मेफ्टाल जैसे NSAIDs के साथ ड्रेस सिंड्रोम की घटना को आमतौर पर रेयर माना जाता है। हालांकि NSAID लेने वाले व्यक्तियों के लिए संभावित दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक रहना चाहिए।